आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। मध्य प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत तीसरे चरण में 9 लोकसभा सीटों पर मतदान के लिए 12 अप्रैल से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तीसरे चरण में बैतूल सहित 9 लोकसभा क्षेत्रों में 7 मई को मतदान होगा। 12 अप्रैल को तीसरे चरण की अधिसूचना जारी होगी, जिसके बाद प्रत्याशियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। लोकसभा निर्वाचन 2024 में संचार प्रतिनिधियों को ECI द्वारा दी गई पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा के अंतर्गत आज छिंदवाड़ा जिले में मीडिया कर्मियों ने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरुण भटनागर ने आज संभागीय मुख्यालय शहडोल के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में EVM एवं VVPAT मशीनों हेतु बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। भिंड जिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण कर लोकसभा निर्वाचन नाम निर्देशन संबंधी तैयारियों एवं विभिन्न व्यवस्थाओं का अवलोकन किया एवं जरूरी निर्देश दिए। सतना जिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने अधिकारियों के साथ शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वेंकट क्रमांक 1 में स्थापित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। डिंडोरी जिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विकास मिश्रा ने समनापुरा में थर्ड जेंडर सुश्री वर्षा दीदी को मतदाता पर्ची प्रदान करते हुए 19 अप्रैल को लोकसभा निर्वाचन में मतदान करने के लिए ससम्मान निमंत्रण दिया।